बनाएंगे स्पंजी रसमलाई। तो रसमलाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा छेना, जिसके लिए लिया है मैंने 1 लीटर दूध। ये काउ मिल्क है। अब दूध को उबाल लेते हैं। दूध जो है उबल गया है। गैस को हम कर देते हैं बंद और इसमें डाल देते हैं 2 गिलास पानी, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। और 2 से 3 मिनट इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। दूध को फाड़ने के लिए हम विनेगर, नींबू, वे वाटर या सिट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। मैं विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने विनेगर और पानी के मिक्सचर को मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमारा दूध जो है वो भी अब नॉर्मल हो गया है। 2 मिनट हमने उसे रेस्ट पे छोड़ दिया था पानी डालने के बाद। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ विनेगर और पानी का मिक्सचर। धीरे धीरे हमें ये डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और साथ साथ में दूध को हिलाते रहें। सॉलिड मिल्क जो है वो पानी से अलग हो जाएगा। अब हमें इसे उसी टाइम ही छानना होगा, नहीं तो हमारा छाना जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो मैं इसे छान लेती हूँ उसी टाइम ही। काम थोड़ा ध्यान से करना है। तो एक स्ट्रेनर पे मैंने एक पतला कपड़ा बिछा दिया है, इसके ऊपर हमें ये छानना है जो हमारा ये छेना बना है। और छानने के बाद हमें इसे पानी से धो देना है। यहाँ जो इसका वे वाटर है इसे ना फेंक के इसे यूज़ करें आटा गूंदने में या ग्रेवीज में, बहुत न्यूट्रिशियस है। अब हम इसे पानी से धो लेते हैं। धोना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये ओवर कुक ना हो, और साथ ही इसके अंदर जो विनेगर या नींबू का इसके अंदर टेस्ट आया है, फ्लेवर आया है, वो भी ना रहे। तो पानी से मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसकी एक पोटली बना लेते हैं। स्क्वीज करके एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं और इसे लगभग 1 घंटे के लिए हम रख देते हैं। भारी चीज़ से मैं दबा के रख देती हूँ। तो तब तक जब तक हमारा छेना हमने रख दिया है रेस्ट, यानी जो इसकी रबड़ी होती है रसमलाई की, उसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। रबड़ी के लिए दूध हम कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट क्रीम, काउ मिल्क, कोई भी ले सकते हैं। एक हैवी बॉटम बर्तन में इसे रख लिया है। अब इसे हम एक बॉयल आने देते हैं। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा इसमें मैं डाल देती हूँ केसर के स्ट्रैंड, और साथ में मैं ले रही हूँ ड्राई फूड कलर। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, पर मुझे इसका कलर थोड़ा डार्क चाहिए, तो मैंने इसे इसलिए एक पिंच डाला है इसमें। आप लिक्विड फूड कलर भी ले सकते हैं, और इसकी जगह आप हल्दी की एक पिंच भी डाल सकते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल कलर हो जाएगा, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता है ये। रबड़ी को हम लगातार हिलाते रहेंगे, यानी इस दूध को, और साइड्स को स्क्रैच करके जो इसकी मलाई है वो हम इसके बीच में डालते रहेंगे, ताकि जो है वो भी दूध में ही मेल्ट हो जाए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इलायची के दाने क्रश करके डाल दिए हैं इसमें मैंने, आप पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। ड्राई फ्रूट्स को कट करके डाल दिया है मैंने, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब चीनी डाल लेते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी ली है। आप 1/2 से 1/3 कप चीनी ले लीजिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, यानी मीठा अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसको भी हम 2 टेबलस्पून पानी में इसे घोल देते हैं और इसे डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो ना डालें, पर मैं इसे इसलिए डाल रही हूँ, एक क्रीमी टेक्सचर देता है किसी भी चीज़ को। दूध को हम पका रहे हैं और इसे लगातार पकाते रहना है, चलाते रहना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा सा रिड्यूस होते ही हमें इसको बंद कर देना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने कर लिया तो रसमलाई के अंदर ये नहीं जाएगा। पूरा से 20 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए, दूध हमारा पहले से रिड्यूस यानी कम हो गया है, और अब ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसे बंद करके ठंडा करने के लिए रख देते हैं। छेना को रखे हुए भी 1 घंटा हो गया है। तो ये देखिए छेना कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट बना है, एकदम सॉफ्ट है ये छेना। अब इसको हम हथेलियों की सहायता से अच्छे से मैश कर देंगे। हथेलियों से मैश करते करते हम इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे। छेने में से घी निकलने लगे, घी जैसा लगने लगे, तो ये इसका मतलब ये है कि अच्छे से चिकना हो चुका है। और दूसरी एक और कि जब हम छेने को बांधे तो छेने के अंदर कोई क्रैक नहीं बना। मसलते मसलते छेना को 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, टाइम कोई फिक्स नहीं है। जब तक आपका छेना सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आपको ये करते रहना है। 10 से 15 मिनट इसको लगते हैं कम से कम। तो 8 से 10 मिनट में मेरा जो छेना है ये सॉफ्ट हो चुका है, चिकना हो चुका है। तो इसकी रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। और मैं इसे नींबू जितने साइज की एक पोर्शन लेंगे। अगर आप चाहें बड़ी रसमलाई बनाना चाहते हैं बिग साइज की, तो आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ, तो मैं नींबू जितने साइज की ले रही हूँ। ये बनने के बाद भी डबल से ट्रिपल होती है साइज में। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम एक एक लोई तोड़ के रसमलाई बनाएं, या फिर हम इसको सारे छेना को एक सिलेंडरिकल फॉर्म में मैं इसे रोल कर दूं और चाकू से कट कर दूं इक्वल पोर्शंस को। तो हमें बार बार इसको इक्वल पोर्शन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तो एक ही बार में सारे कट हो जाएंगे। तो देखिए रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो लोइयाँ बनाई है रसमलाई के लिए, उसको हम गोल गोल इसको करते हैं, दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल करते हुए इसको
फ्लैट शेप देनी है। अगर हम इसको गोल करके फ्लैट देते हैं तो साइड्स में इसके क्रैक पड़ सकते हैं, तो इसे गोल गोल घुमाते घुमाते ही इसको फ्लैट कर लें हल्का सा। तो इस तरीके से हमें सारी रसमलाई बनानी है, इसमें क्रैक्स नहीं आनी चाहिए, नहीं तो रसमलाई बनते टाइम फट सकती है। तो इस तरीके से हमने सारी रसमलाई बना के तैयार कर लिए। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। हम इसको किसी भी बर्तन में पका सकते हैं, किसी पतीले में पका सकते हैं, बस वो थोड़ा गहरा होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो रसमलाई है वो बनने के बाद साइज में डबल से ट्रिपल हो जाती है और उसको जगह चाहिए होती है स्प्रेड होने के लिए, तो इसलिए बर्तन हमें थोड़ा चौड़ा ही चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे आज आपको बना के दिखा रही हूँ कुकर में हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने एक बड़े साइज का कुकर ले लिया है, 5 लीटर का कुकर है। इसमें मैंने सीटी जो है इसकी विसल है वो निकाल दी है। 1 लीटर दूध में मैंने 2.5 कप चीनी ली है और 6 से 7 कप इसमें पानी डाला है। थोड़ी ज्यादा हो तो रसमलाई अच्छी बनती है। चीनी और पानी को हम डाल देते हैं कुकर में और जैसे ही चीनी मेल्ट होती है इसमें हम डाल देते हैं जो हमारे रसगुल्ले हैं, रसमलाई है, इसको डाल देते हैं। और ये हमें करना है बिल्कुल हाई फ्लेम पर। ध्यान रखें इसको बनाने के लिए जो फ्लेम है उसका सही रहना पूरे टाइम तक बहुत ज़रूरी है, वरना जो है हमारे जो रसगुल्ले हैं, जो रसमलाई है, वो फट सकती है। मैंने हाई फ्लेम पर इसे डाला है और इसे 5 मिनट तक मैं ऐसे ही रख देती हूँ। 1 टेबलस्पून मैदा में 2 टेबलस्पून पानी इसका मैं घोल बना के इसमें डालूंगी। इससे क्या होगा कि इसमें फ्रॉथ पैदा होगा यानी झाग पैदा होगा, जिसके अंदर हमारे जो ये रसमलाई है वो अच्छे से पक जाएगी, ये कहीं से कच्ची नहीं रहेगी। और इसमें फ्रॉथ का होना बहुत जरूरी है। जो हलवाई होते हैं वो रीठे का पानी यूज करते हैं, उससे झाग पैदा होता है, रसमलाई पकाते हैं। तो हम यहाँ पे उसका अल्टरनेट जो है सब्स्टिट्यूट है वो है मैदा और पानी का मिक्सचर हम यहाँ डाल रहे हैं, जिससे इसे अच्छी सी फ्रॉथ पैदा होगी और इसमें हमारी रसमलाई बहुत अच्छे से बनेगी, सॉफ्ट एकदम, ऊपर से भी अच्छे से पक जाएगी। 5 मिनट बाद मैंने इसमें मैदा और पानी का मिक्सचर डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और गैस ऑन कर देती हूँ मीडियम। लगभग 8 से 10 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही पकने दूंगी। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, हम अपनी रसमलाई चेक कर लेते हैं और इसको एक बार पलटा देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी सिक जाए। तो ये देखिए हमारी रसमलाई फूल के डबल हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। हम इसको धीरे से सारी रसमलाई को पलटा देते हैं और 5 से 7 मिनट और इसको पका लेते हैं। अब इस टाइम पर चाहे आप कुकर का ढक्कन बंद करें या ना भी करें तो भी अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि मैदे और पानी के घोल से जो फ्रॉथ पैदा होता है ना, जो सरफेस होता है वो काफ़ी हद तक पक जाता है फ्रॉथ में। तो 5 से 7 मिनट मैं इसे और पका लेती हूँ। मैं कुकर का ढक्कन बंद करके ही पका रही हूँ, फ्लेम को हम हाई कर देते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब देखिए रसमलाई हमारी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ हमें एक और काम करना है। अब एक बाउल में हमें पानी लेना है, ये बर्फ का पानी है, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। इसमें हमें रसमलाई को डाल देना है, इससे क्या होगा कि जो हमारी रसमलाई का स्पंज है, जो हमारी स्पंजी रसमलाई बनी है, उसकी शेप और उसका स्पंज ऐसे ही बना रहेगा, साथ में वो ओवरकुक भी नहीं होगी। तो ये देखिए मैं आपको दबा के दिखाती हूँ कितनी अच्छी और स्पंजी रसमलाई बनी है हमारी। एकदम दबाने पे इसकी जो शेप है वापस ये अपने आप ले रही है। रसमलाई जो मैं उठा रही हूँ वो उसको दबा रही हूँ मैं, तो दबाने के बाद स्क्वीज करने के बाद पानी में डालने पे वापस जो है ये अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। तो आधा घंटा मैं इसी में ही छोड़ देती हूँ रसमलाई को। आधे घंटे बाद मैं जो हमारी रसमलाई है, जो रसमलाई का दूध बनाया है, मैं ये उसमें डाल देती हूँ सारी रसमलाई को। इसको मैं चमचे से स्क्वीज करके इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल देती हूँ और सारी रसमलाई को हम इस दूध में जो हमने बनाया है मसाला दूध इसमें डाल देते हैं। इसे ओवरनाइट डिप करके रख दिया है फ्रिज में, इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रिज में जाने के बाद कोई भी मीठी चीज़ और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और सॉफ्ट हो गया रसमलाई। देखिए एक ही बार में ये टूट रही है। अब बारी है रेसिपी से रिलेटेड टिप की। दूध आप इसमें काउ मिल्क ही इस्तेमाल कीजिए, बफेलो मिल्क इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि उसमें फैट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है, या टोन मिल्क इस्तेमाल कीजिए क्योंकि अगर उसमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो हमारी जो रसमलाई है वो फट सकती है। छेना बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। गर्म दूध में आप विनेगर या नींबू का रस ना डालें और जब भी डालें तो उसमें पानी मिला के उसे डाइल्यूट करके ही डालें विनेगर या नींबू के रस को, ताकि छेना सॉफ्ट बने। छेनों को सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। रसमलाई पकाते वक्त अगर चाशनी में आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं या इलायची को क्रश करके डाल सकते हैं। 1 लीटर दूध अगर 2 टेबलस्पून विनेगर से नहीं फटता है तो आप विनेगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दूध का फटना दूध की क्वालिटी और विनेगर की क्वालिटी दोनों पे डिपेंड करता है। रसमलाई को जब हम रबड़ी में डालते हैं तो रबड़ी गुनगुनी
होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी हल्की गर्म होनी चाहिए। रबड़ी या रसमलाई में से कोई एक चीज जरूर गर्म होनी चाहिए ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले जो रसमलाई है रबड़ी को। तो अगर रबड़ी ठंडी हो गई है तो इसे हल्का सा गर्म कर ले और रसमलाई को रबड़ी में डाल दे। रबड़ी क्वांटिटी में इतनी होनी चाहिए जिसमें रसमलाई अच्छे से डूब जाए। इसके बाद इसे कम से कम 7 से 8 घंटे इसी में ही डिप रहने दे रसमलाई को रबड़ी में। और शुरू के 3 से 4 घंटे आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखें, क्योंकि फ्रिज में अगर हम रखेंगे तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी रसमलाई रबड़ी को। तो कम से कम 3-4 घंटे इसे रूम टेम्परेचर पर ही रहने दें, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें जिससे रसमलाई अच्छे से स्पंजी हो जाए। तो ये देखिए हल्की सी चम्मच लगाते ही ये कैसे टूट रही है और कितनी फ्लफी है। रसमलाई ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है रबड़ी को। तो इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप रसमलाई बनाइए बिल्कुल बाजार जैसी। रेसिपी से रिलेटेड क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।